हेलो बच्चों, आज हम खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन भाग 3 के बारे में जानेंगे। पिछले भाग में हमने खाद के बारे में पढ़ा था और ये भी जाना था कि उर्वरक भी होते हैं, जिसको जो भी उत्पादन होते हैं, कृषि संबंधी उत्पाद होते हैं, उसको बढ़ाने के लिए या मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए खाद एवं उर्वरक दोनों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द हमने प्रयोग किया था पिछली बार। तो अब हम जानेंगे वास्तव में उर्वरक क्या होते हैं। तो भूमि में कुछ विशेष पोषक तत्वों की आवश्यकता भी रहती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो इन सब की पूर्ति के लिए रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना पड़ता है। इन्हीं रासायनिक पदार्थों को, जिनमें कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें होती हैं, इन्हें हम उर्वरक कहते हैं। जैसे नाइट्रोजनी उर्वरक, अब एक एक करके हम समझेंगे कि वास्तव में नाइट्रोजनी उर्वरक में क्या होता है। तो नाइट्रोजनी उर्वरक जो होते हैं, वो पौधों में नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति करते हैं। तो इसके उदाहरण हैं जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये सारे मुख्य नाइट्रोजनी उर्वरक हैं जो कि पौधों में नाइट्रोजन तत्व की कमी की पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार के जो नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं, इनका प्रयोग पत्ता गोभी, पालक, इसके फसलों को ये उत्पादन के बढ़ाने के लिए किया जाता है, और इसके उपयोग से पौधों में बहुत तेज़ी से वृद्धि भी होती है। अब हम जानेंगे फॉस्फेटी उर्वरक। नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, फॉस्फेटी उर्वरक, जिसमें कि फॉस्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए यह होता है। तो ये पौधों में फॉस्फोरस तत्व की कमी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसके प्रयोग से जो जड़ हैं, तने हैं, ये मजबूत होते हैं। तो प्रायः जो दलहन फसलें होती हैं, उनके लिए यह आवश्यक होता है। तो इसका उदाहरण है कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। अगला है पोटेशियमी उर्वरक। पोटेशियमी उर्वरक नाम से स्पष्ट है कि ये पोटेशियम तत्व की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कंद वाली फसलों के लिए ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण देखिए, पोटेशियम सल्फेट, जिसमें कि पोटेशियम है, वैसे ही पोटेशियम क्लोराइड, जिसमें कि पोटेशियम है। तो ये पोटेशियम ही उर्वरक है जो कि मिट्टी में या पौधों में जो पोटेशियम की उपलब्धता है, वो उसको उपलब्ध कराते हैं। अब हम खाद एवं उर्वरक में क्या-क्या अंतर है ये जानेंगे। खाद जो है वो कार्बनिक पदार्थ उसमें ज़्यादा होता है, अधिक मात्रा में होता है, जबकि उर्वरक अकार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं। दूसरा, खाद जो है वो सब्जियों, पेड़ पौधों, जंतुओं के अवशेष के जैव निम्नीकरण द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि उर्वरक रासायनिक पदार्थों से ही निर्मित होता है। खाद में पोषक तत्व की मात्रा बहुत कम होती है, और जो उर्वरक होते हैं उसमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है। खाद का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, यानी हम खाद को जब भी भूमि में प्रयोग करते हैं, जहाँ पर हमने कृषि की हुई है, तो अधिक मात्रा में खाद डालना पड़ता है, और उर्वरक कम मात्रा में प्रयोग करने से भी ये मिट्टी के लिए लाभदायक हो जाता है। लेकिन खाद का प्रयोग जो है वो लगातार यदि हम करते भी रहते हैं तो भी मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, जबकि उर्वरक में रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो यदि उर्वरकों का प्रयोग लगातार होता रहे तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है। फसलों को खाद एवं उर्वरक देने के लिए बहुत सारी विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे कि खेतों में बिखेर कर, या फिर पौधे के चारों ओर बने कुंड में डालकर, या उर्वरकों को पानी में घोलकर इस प्रकार छिड़काव किया जाता है। सिंचाई के लिए बनाई गई नालियों के मुहाने पर उर्वरकों को रख दिया जाता है, जिससे वो प्रवाहित जल में घुलकर भी पौधों तक पहुंच जाते हैं। तो ये सारी कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा उर्वरकों और खाद का छिड़काव खेतों में किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, उसके स्थिरीकरण के लिए भी कुछ सूक्ष्म जीव प्रकृति में होते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, अर्थात ये वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होता है उसको स्थिरीकरण करते हैं। तो धान की खड़ी फसल में जब किसान पानी भर कर रख देता है, तो इसमें हरी हरी काई बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो हरी हरी काई होती है, इसे ही हम नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं। ये नील हरित शैवाल भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं और भूमि में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर ये मटर कुल के पौधे होते हैं, जिसकी जड़ों में इस प्रकार गांठें पाई जाती है।
इन गांठों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये जो राइजोबियम जीवाणु है ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, अर्थात वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके वह नाइट्रोजन मिट्टी में उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार पौधों में भी नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है। तो आप सभी ये जानते हैं दाल में प्रोटीन अधिक होता है और प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि दाल लेने से प्रोटीन की मात्रा जो है शरीर में संतुलित बनी रहती है। किसान सूक्ष्म जीवाणुओं तथा नीले हरित शैवालों का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में फसलों की उपज बढ़ाने के लिए भी करते हैं। जैसा हमने जाना कि जो नील हरित शैवाल है या जो राइजोबियम जीवाणु हैं ये वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तो इसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। अब आप देखिए बहुत ही मुख्य बिंदु है फसल चक्र। नाम से ही स्पष्ट है चक्र, यानी एक के बाद एक। तो एक ही फसल को यदि हम किसी भूमि में एक ही समय तक पूरे लगातार बहुत लंबे समय तक उसे लगाते रहते हैं तो भूमि में जो उर्वरा शक्ति होती है वो कम हो जाती है। तो एक ही फसल को बार बार बोने से जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है वह कम हो जाती है। तो भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए फसलों को अदल बदल कर लगाया जाता है। तो अनाज की फसलों के बाद दलहन की फसलें बोई जाती हैं जिससे कि मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की उपलब्धता बनी रहे। अभी हमने देखा था कि जो दलहन फसलें होती हैं, दाल वाली फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में जो गांठें होती हैं उसमें राइजोबियम जीवाणु होता है और यह राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है। तो मिट्टी में जो नाइट्रोजन तत्व की उपलब्धता है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए जो अनाज की फसलें होती हैं उसके बाद दलहन की फसलों को बोया जाता है। तो अदल बदल कर जब फसल को लगाते हैं तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है। फसल चक्र के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो सबसे पहले देखिए कि मिट्टी की जो प्रजनन क्षमता है वो बनी रहती है, अर्थात उसकी उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। मिट्टी यदि स्वस्थ है, उपजाऊ है, तो अधिक मात्रा में हमें उत्पाद प्राप्त होगा। हानिकारक जो रोग कीड़े और उनके साथ उगने वाले जो घास पात है यानी खरपतवार है वो भी खत्म हो जाते हैं। फसल चक्र से अधिक मात्रा में उपज प्राप्त होगा, क्योंकि जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हम जिस भी फसल को लगाते हैं उसकी मात्रा हमें अधिक से अधिक प्राप्त होगी। हर बार एक ही प्रकार के फसल को बोने से जो भूमि में विषैले पदार्थ होते हैं उसमें वृद्धि हो जाती है। तो जब हम फसल चक्र को अपनाते हैं तो इस समस्या से हम आसानी से बच सकते हैं, भूमि में किसी भी प्रकार के विषैले पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। अंतर्वर्तीय फसलें है ना, ये क्या है, एक ही समय में एक ही स्थान पर यदि एक से अधिक फसलों को बोया जाता है तो ये मिश्रित फसल कहलाता है। जब विभिन्न फसलों को अलग अलग कतारों में बोते जाएं तो इसे अंतर्वर्तीय फसलें कहते हैं। तो गेहूं, चना, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, इन सभी फसलों को हम अंतर्वर्ती फसलों की श्रेणी में रख सकते हैं। सिंचाई, पौधों को कृत्रिम रूप से पानी की पूर्ति करने की विधि को सिंचाई कहते हैं, क्योंकि सिंचाई के द्वारा ही हम पौधे को पूर्ण रूप से पानी उपलब्ध करा पाते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति मिट्टी की बनी रहे, नमी बनी रहे, है ना, तो ताकि जड़ों को नमी मिलती रहे तो पौधों का अच्छी तरह से विकास हो, वृद्धि हो। तो सिंचाई जो है वो एक कृत्रिम विधि होती है जिसके द्वारा पानी की उपलब्धता हम पौधों को देते रहते हैं। सिंचाई से प्राप्त जो जल है उसके द्वारा पौधे खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। तो जब वो खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल की आवश्यकता होती है और विभिन्न प्रकार के पौधों में जो जैविक क्रियाएं होती हैं वह संपन्न हो पाती हैं, क्योंकि जल के बिना किसी भी जीवित जीव का जो जीवन है वो संभव नहीं है। इसी प्रकार पौधे हैं तो पौधों में भी जो जैविक क्रियाएँ हैं उसमें भी जल की आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वे जल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। और खेतों की सिंचाई की मात्रा मिट्टी के प्रकार और उगाई गई फसलों के लिए पानी की अधिक आवश्यकता पर निर्भर करती है। और जो खरीफ की फसलें होती है उसमें पानी की अधिक आवश्यकता होगी, जबकि रबी फसलों को पानी की लगातार एवं ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है।
सिंचाई के कुछ साधन आप देखिए, यहाँ पर स्प्रिंकल खेती या पंप द्वारा पानी को उपलब्ध कराते हैं या फव्वारा द्वारा। तो इस प्रकार से सिंचाई के विभिन्न प्रकार के साधन हैं जिससे हम खेतों में लगातार सिंचाई व्यवस्था को सुचारू ढंग से चला सकते हैं। सिंचाई के साधन, किसान वर्षा के जल द्वारा सिंचाई हेतु जलाशय, नदियों, तालाबों एवं भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। यानी किसान जब अपने खेतों में सिंचाई करते हैं तो उसके लिए वे जलाशय का प्रयोग करते हैं, जलाशय के जल का प्रयोग करते हैं, नदी या भूमिगत जल या तालाब से उपलब्ध जल का प्रयोग करते हैं। नदियों पर निर्मित जलाशयों से नहरों द्वारा बड़े स्तर पर सिंचाई की जाती है और जो छोटे स्तर पर सिंचाई होती है उसके लिए तालाब, कुआँ, नलकूप होते हैं। कुओं से जब जल निकाला जाता है तो उसके कई सारी विधियां होती हैं जो प्रायः अपनाया जाता है, पारंपरिक विधियां भी कह सकते हैं हम इसे, जैसे घिरनी, टेढ़ा, रहट, तो इनसे द्वारा पानी को ऊपर खींचा जाता है और उसे छोटी छोटी नालियों द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता है। सिंचाई के कुछ साधन आप देखिए, यहाँ पर देखिए घिरनी है, घिरनी के द्वारा सिंचाई हो रही है, नलकूप के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था है, इसी तरह रहट द्वारा सिंचाई की व्यवस्था है। तो ये कुछ सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। पानी के स्रोत से पानी खींचने पर तथा ऊपर चढ़ाने वाली मशीनों का प्रयोग किया जाता है। जब हम भूमिगत जल का प्रयोग करना चाहते हैं सिंचाई में तो इसके लिए हमें मोटर की आवश्यकता होती है, तो मोटर पंप का प्रयोग किया जाता है या सबमर्सिबल पंप का प्रयोग किया जाता है। जलाक्रांत, ना देखिए जल में डूबा हुआ पूरा खेत आपको दिखाई दे रहा है, तो जब आवश्यकता से अधिक सिंचाई हो जाए, मिट्टी में वायु की कमी हो जाती है, यदि हम ज़्यादा जल डाल देते हैं, अधिक मात्रा में सिंचाई कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में मिट्टी में वायु की कमी हो जाती है और अधिक समय तक पानी जमा रहने से मिट्टी में वायु का संचार नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार जो जड़ें होती हैं उनमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो इससे जो जड़ है चूँकि वह बहुत देर तक जल में डूबी रहती हैं तो इसके कारण वो सड़ने लगती हैं। तो इस दशा को हम कहते हैं जलाक्रांत। सिंचाई की कुछ नई तकनीक है बच्चों, आप सब नई पीढ़ी के बच्चे हैं, आपको ये सभी जानना भी चाहिए। हो सकता है कि आपके गांव के आसपास इस प्रकार की सिंचाई की जाती होगी, तो बहुत अच्छी बात है कि आप पहले से जानते हैं, और नहीं जानते हैं जो बच्चे, चलिए हम जानें। तो ये है स्प्रिंकल या बौछारी फव्वारा सिंचाई। देखिए जैसे पार्क में फव्वारा लगा होता है उसी प्रकार से देखिए सिंचाई की व्यवस्था है। तो इस पद्धति में खड़ी फसल पर कृत्रिम रूप से पानी की बरसात की जाती है। पानी की बरसात आप देखते हैं जब वर्षा ऋतु होती है, पानी ऊपर से आकाश से किस प्रकार नीचे गिरता है, तो उसी प्रकार की व्यवस्था इस फव्वारा तकनीक में अपनाई जाती है। अधिक दबाव पर पाइपों में पानी प्रवाहित किया जाता है जो एक धुरी पर घूम सकने वाले बहुत से छिद्रों युक्त टोटी से फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है। आप देखिए यहाँ पर टोटी बनी हुई है और यहाँ से बहुत अधिक दाब डाला जाता है, तो इस प्रकार टोटी से फव्वारे के रूप में जल कैसे निकलती है। और इसकी विशेषता ये है बच्चों कि बहुत दूर तक हम इस जल के द्वारा सिंचाई को कर सकते हैं। ड्रिप सिंचाई या इसे टपक सिंचाई भी कहते हैं। तो आपको यहाँ देखिए खेत में कुछ पाइप जैसा दिखाई दे रहा है, तो इन्हीं जो पाइप में से जल का प्रवाह हो रहा है, लेकिन इन पाइपों में सूक्ष्म छिद्र बने होते हैं और ड्रिपर युक्त जो बंद पाइप होती हैं, ड्रिपर यानी यहाँ पे छोटे छोटे जो सूक्ष्म छिद्र हैं, तो इसलिए इसको ड्रिपर युक्त पाइप कहा जा रहा है। तो ड्रिपर युक्त पाइप में दाब पंप द्वारा पौधों तक पानी को सीधे पहुँचाया जाता है और इस पद्धति से उर्वरकों का या विभिन्न जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनकी भी उचित मात्रा पौधों तक सीधे पहुँचाई जा सकती है। तो इस प्रकार आप देखिए कि किस तरह से ड्रिप सिंचाई या टपक सिंचाई यानी बूंद बूंद करके यहाँ पर प्रत्येक पौधों तक ये जल पहुँचता रहता है और पानी की जो कमी है उसकी पूर्ति होती रहती है। इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा? फसल चक्र के बारे में जाना कि फसल चक्र क्या होता है, यानी एक ही फसल को हम बार बार यदि एक ही भूमि पर उगाते रहते तो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट होने लगती है, इसलिए फसलों को यदि बदल बदल कर लगाया जाए तो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है।
दूसरा पॉइंट है कि भूमि में कुछ विशेष पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इनकी पूर्ति के लिए किसान जिस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं उन्हें हम उर्वरक कहते हैं। उर्वरकों के लगातार प्रयोग से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो समाप्त हो सकती है और जो फसल चक्र से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। और सिंचाई की मुख्य जो नई तकनीक है उसमें सबसे मुख्य है ड्रिप या टपक सिंचाई और दूसरा है स्प्रिंकल या बौछारी फव्वारा सिंचाई। बच्चों, आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, इसे आप बहुत अच्छी राइटिंग में अपनी कॉपी में ज़रूर बनाएंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में उपलब्ध हैं, आप इसे पुनः चलाकर फिर से देखिए और किताब में भी आपके पास है। तो जब भी आपको पढ़ाया जाता है आप पुस्तक को एक बार फिर से पढ़िए तो आपको जो भी ज्ञान है वो आपका स्थिर हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से कोई चीज़ याद हो जाएगी। प्रश्न पहला, उर्वरक किसे कहते हैं, प्रकार एवं उदाहरण लिखिए। प्रश्न दूसरा, फसल के लिए सिंचाई क्यों आवश्यक है। प्रश्न तीसरा, फसल चक्र क्या है। प्रश्न चौथा, आधुनिक सिंचाई पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। और प्रश्न पांचवा, केंचुए को कृषि मित्र क्यों माना जाता है। इस प्रश्न को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है लेकिन आपको याद होगा ऐसा मेरा मानना है, तो इसलिए आप ज़रूर इसे बनाइए। प्रश्न छठवा, किसके द्वारा भूमि की उर्वरता बनी रहती है। प्रश्न सातवां, कोई दो कृषि यंत्र का चित्र बनाइए। कोई भी कृषि यंत्र जो किसी भी प्रकार की तकनीक में प्रयोग होता है, चाहे उर्वरकों या खाद के मिश्रण को छिड़कने में या फिर सिंचाई की पद्धति में, जो भी चित्र आपसे बनता है कृषि से संबंधित या उन यंत्रों से संबंधित, आप उसे बनाइए। प्रश्न आठवां, खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए। तो बच्चों, आप इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे ऐसी मुझे आशा है। तो आप लोग ज़रूर पढ़ते रहिए और अपना आत्मविश्वास बना कर रखिए और पढ़िए, लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि यह पाठ भी आपके जीवन से बहुत अधिक संबंधित है, आपको मज़ा आ रहा होगा। तो पढ़ते रहिए बच्चों और खुश रहिए।